सब डिस्टेंस अपनी मेंटेन करना प्लीज ना। इस बुल को आज हमने जसूर से रेस्क्यू किया है। इसके लिए पहले भी हम गए थे, तब इसके गले में बहुत टाइट रस्सी बांधी गई थी, लकड़ बंधा हुआ था। इस बार इसके सर में बहुत टाइट से रस्सी बांधी गई थी, एक दो भी नहीं तीन रस्सी थी ना, और काफी पुराना है और बहुत टाइट होने की वजह से वो घाव बन गया है और अंदर तक धस गई थी रस्सियाँ। ब्लीडिंग हो रही है काफी ज्यादा, तो हमने इसको पहले पेन किलर वगैरह दिया है और आइवरमेक्टिन डाला है, तो जिसकी वजह से जो मैगट्स हैं वो डेड हो जाते हैं। कल फिर डेड मैगट्स हम लोग कर देंगे जितने निकले पाएंगे। ओ गुड गर्ल, जिंदा हो गई है पूरी तरीके से। इसकी टेल पे और हाइंड लेग में, बता रही हूँ ना, हाइंड लेग में बहुत ज्यादा बड़ा वुंड था, टेल तो लगभग कटी हुई थी, अब पूरी तरीके से ठीक हो गई है। बहुत मिरेकुलस इसकी वो रही है इम्प्रूवमेंट। चलो चलेंगे। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? इसको स्मूदी अच्छा लगता है ना। ही इज अ बिट ओल्डर देन हर बट शी लाइक्स हिम। यहाँ पे कुछ इसने ड्रामे एक्टिंग भी सीखी है, थोड़ा सा डांस भी। नो नो नो, वृंदा ठीक हो गई, रिलीज हो गई और वर्तमान के लिए उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि वृंदा और वृंदा जैसे और पशुओं की स्थिति स्थायी तौर पर ठीक हो, उसके लिए लोगों का ये समझना जरूरी है कि पशुओं को भी दर्द होता है, और वो ये तभी समझेंगे जब वो ये सुनेंगे। और देखिए, हम सिर्फ कहानियाँ सुना सकते हैं, लेकिन लोगों तक हमारी कहानियाँ सिर्फ आप ही पहुँचा सकते हैं। कृपालु भैया, क्या हो गया? वो चार्ली यहाँ पर खड्डे में गिर गया है। ये खड्डे में गिरा, उठ नहीं पाया होगा। दोनों टांगों में टेढ़ा तो चलता था बेचारा, ये बूढ़ा भी हो गया था। बहुत शॉकिंग है ये तो। यार ये नहीं सोचा था मैंने, सोचा आपने फोन किया होगा, ओट्स आ गए। मुझे नहीं पता था कि मेरे को ये न्यूज मिलेगी एकदम से। डोनट को ट्यूमर था उसके वजाइनल एरिया में, ब्रीडिंग के लिए यूज किया जिसके ओनर ने, और जब इसको हेल्थ इश्यूज हो गए तो अबैंडन कर दिया। अब डोनट हेल्दी है, फिट एंड फाइन, और आज जा रही है अडॉप्ट होके अपने घर। इसको इसके बेड से बहुत ज्यादा प्यार है। हम इसको कैनल में भी कैसे शिफ्ट करते हैं ना, शाम को बेड उठाया, चलो भाई डोनट सीधा भाग के अपने कैनल में बेड रख दो, अब मैं बैठ जाऊंगी। बहुत समझदार बच्चा, हमारा सबसे अब तक का समझदार बच्चा। ये है लक्की, ये चंबी में ही रहते हैं, और फाइनली डोनट को नया घर मिल गया है। ए डोनट, बाय बाय। बाय बिट्टू। डोनट और मयूरी दोनों का एक साथ अडॉप्शन हुआ है। मयूरी जा रही है कोटला, जो है लक्की की मौसी का घर। अभी हम जा रहे हैं डॉग के रेस्क्यू के लिए। उस डॉग का पहले भी हमने ट्रीट किया था, तो आइस की दिक्कत थी, और प्लस उस टाइम उसके को खाना खुना भी नहीं खा रही थी, बिल्कुल डल जैसी हो गई थी। इधर जाए तो बच्चे बुच्चे मारते हैं, इधर ही रहती है 5-7 घर वहाँ। क्या हुआ मुन्ना को, क्या हो गया क्या हो गया मुन्ना? आंखों की अंधी है ये, फिर मैं खाना वगैरह डालता रहता हूँ। पहले भी ज्यादा तंग थी, तो आपने ही ठीक की थी, अब इसको ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। चल 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 चल, नहीं मेरा नहीं, 1.5-2 साल हो गए इसको इधर रहते, बच्चे पैर रख दे या कुछ भी करे काटती नहीं है। कुत्ते कत्ते बहुत तंग करते हैं, इसको पता लगता नहीं है आंधी है, 2-3 आते हैं ऐसे चढ़ जाते हैं। तो जैसे बच्चे बुच्चे होते हैं, मतलब बच्चे ना हो उसका ऑपरेशन कर देना। जाओ जाओ। क्या हुआ? उसको निकला, इसका रोलैप्स का इशू था, वल्वा वाले हिस्से से कुछ गंद सा निकला, मतलब इन्फेक्टेड डिस्चार्ज निकला, जिसमें एक छोटा सा बच्चा भी था। फिर हमें समझ में आया कि शायद इसके पेट में और बच्चे हो सकते हैं जो कि फंसे हैं, और इसी वजह से ये प्रोलैप्स का इशू हमें नजर आ रहा है। हमने इस डॉग को इमरजेंसी सर्जरी के लिए पालमपुर सेंड किया था, सर्जरी अच्छे से हो गई थी, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होने की वजह से इसको यहाँ पर मेरे घर पे रात रखा गया, और अभी रविंदर जी और मैं इसको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं।
पंछी की स्टरलाइजेशन सर्जरी हम पिछली बार ही कर देते, पर उस समय उसका इलाज चल रहा था कैंसर का और वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। खैर, अब की बार इस सर्जरी के बाद ना तो वो दोबारा अपने बच्चों को खोने का दुख झेलेगी और ना ही उसके बच्चे पैदा होकर एक दर्दनाक मौत मरेंगे। बहुत से लोग जब जानवरों के लिए ऐसा कुछ करना होता है तो एथिक्स को बीच में ले आते हैं कि भाई हम उनके माँ बनने का हक कैसे छीन सकते हैं, पर जब आए दिन अपने खाने पीने पहनने के लिए वो जानवरों का हक मारते हैं तब मैं इन एथिक्स को नदारद पाता हूँ। मैं ना फंस गई हूँ बुरी तरीके से। यहाँ है कतरन जिसको प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, और यहाँ है राजकुमार। इसको जेलसी हो रही है कि पहले मैं आया हूँ तो सारा प्यार आप मुझे ही दो। तू बड़ा बिट्टू है, तू पहले आया था, तू लाडला है। बड़े तो सबसे समझदार होते हैं बेटा, बड़े तो छोटों को प्यार देते, तो हमारा कत्तू सबसे छोटा है, ये देखो हमारा कट्टू सबसे छोटा है। जेलस नहीं होते बिट्टू। हाँ, इसको अटेंशन चाहिए, इसी को चाहिए सारा प्यार।